देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नागपुर शहर में आए थे। इस दौरे में उनके हस्ते विविध परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इस समय प्रधानमंत्री ने देश की जनता से संवाद भी साधा, साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार किस तरह से काम कर रही है ये दिख रहा है। उद्घाटन समारोह के बाद जाहिर सभा में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार क्या काम कर रही है ये दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार आने से सभी समस्या का समाधान हो रहा है। आज का ये आयोजन इस बात का भी प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में इतनी तेज गति से काम कर रही है। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज के दिन की एक और विशेषता है, आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। देश एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह, जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संबोधित किया। उन्होंने समृद्धि महामार्ग की जानकारी देते हुए इस काम के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन किया। देश के विभिन्न स्थान और भारत का टाइगर कैपिटल तथा ऑरेंज सिटी से मशहूर इस नागपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं नागपुर की जनता की तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें विशेष रूप से हमारी महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि महामार्ग का भी उद्घाटन किया है। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, ये हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे बहुत खुशी है आदरणीय देवेंद्र जी ने उनके मुख्यमंत्री के काल में इस मार्ग की शुरुआत करने का संकल्प किया। एकनाथ जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने विशेष रूप से इसकी जिम्मेदारी संभाली और आज एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में इस महामार्ग का निर्माण पूरा हुआ है, जो विदर्भ और मराठवाड़ा में पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मैं विशेष रूप से आदरणीय एकनाथ शिंदे जी का, देवेंद्र जी का, MSRDC के सभी अधिकारियों का, महाराष्ट्र सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शहर की जनता को संबोधित किया। उन्होंने रविवार को हुए सभी लोकार्पण प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी, साथ ही केंद्र की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं सबसे पहले नागपुर की जनता की ओर से आपका बहुत से प्रार्थना थी
स्मृति महामार्ग का उद्घाटन केवल और केवल आपके हाथों से होना चाहिए। 20 साल पहले ये सपना देखा था पर आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता है, कभी पूरा नहीं हो सकता था। आपने ताकत दी, आपने हिम्मत दी, आपने हौसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी तो ये समृद्धि महामार्ग हम लोग यहाँ पर कर पाए। बहुत कम लोगों को उस समय यकीन था कि इस प्रकार का रास्ता बन सकता है, लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले दिन से मुझ पर यकीन रखकर इस पर काम कर रहा था और उस व्यक्ति का नाम है उस समय के मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री और आज के मेरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, जो पहले दिन से रास्ते पर उतर कर इस सारे मार्ग के लिए काम करते रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके लिए आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन है। आगे उन्होंने कहा, समृद्धि महामार्ग का लाभ व्यापारियों के लिए भी होगा, ये महामार्ग अच्छा बनाया गया है। मेट्रो रेल के दूसरे टप्पे से भूमि पूजन कर रहे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय यांच्या सुभाष से आणखी काही भूमि पूजन होता। समृद्धि महामार्गाचा क्षण उद्घाटनाचा माझ्यासाठी केवळ स्वप्नपूर्तीचं नाही तर आनंदाचंही आहे, अभिमानाचंही आहे आणि गर्वाचंही आहे। खरं म्हणजे अभिमान यासाठी आहे की या कार्यक्रमाला, या उद्घाटनाला या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहेब उपस्थित झाले याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे, आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। आणि आनंद याचा आहे की देवेंद्रजींनी जेव्हा मुख्यमंत्री होते आणि त्यावेळेस माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि त्यांच्या संकल्पनेतून मी काम केलं आणि आता मी मुख्यमंत्री असताना आणि आम्ही दोघंही एकत्र असताना आणि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते याचं लोकार्पण होतंय याचा आनंद खूप मोठा आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।